हेलो व्यूअर्स, एमएस एक्सेल की इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम बात करेंगे स्पीक सेल्स के बारे में। तो स्पीक सेल्स बेसिकली एमएस एक्सेल का वो फंक्शन है जिसमें जो सेल में हमारा कंटेंट रिटर्न है वो एक्सेल अपने आप उसको रीड करता है। मतलब हमें ऑडियो सुनाई देती है कि उस कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। ये हमें इस तरह से फ़ायदा करता है कि जैसे हमारे पास एक सॉफ्ट कॉपी है और हमने किसी का प्रिंट आउट निकाला, उसकी हार्ड कॉपी ले ली, तो अब आपको दोनों को वेरीफाई करना है। तो आप स्पीक सेल्स एक्टिवेट करके वो बोलता जाएगा और आप अपने वेरीफाई कर सकते हैं। ये इस चीज़ में मदद करता है। तो आइए देखते हैं ये हम कैसे करते हैं। स्पीक सेल्स बेसिकली सामने नहीं होता है तो हमें उसको वो अंदर एक ऑप्शन होता है लेकिन हमें उसको बाहर लाना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर जो हम चाहते हैं यहाँ पे हमें एक्सेल ऑप्शंस दिखते हैं। एक्सेल ऑप्शंस में जैसे ही आप जाएंगे वैसे यहाँ पे कस्टमाइज में यहाँ पे ऑल कमांड्स में हम सेलेक्ट करते हैं। इसी ऑल कमांड में सेलेक्ट करने के बाद हम इस पूरे ड्रॉप डाउन के अंदर स्पीक सेल सर्च करते हैं। स्पीक सेल हमारा यहाँ पे आपका यहाँ पे ये देखिए, ये आपका स्पीक सेल्स। अब हम ये सारे ऑप्शंस ऐड कर लेते हैं अपने क्विक एक्सेस टूल बार में। इसके पांच ऑप्शंस होते हैं, हमने इन पांचों ऑप्शन को अपने ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में आ गया। ये होता है हमारा स्पीक सेल्स, ये होता है हमारा स्टॉप स्पीक सेल्स, ये होता है हमारा स्पीक सेल्स बाय कॉलम, ये स्पीक सेल्स बाय रो और स्पीक सेल्स ऑन एंटर। तो आइए देखते हैं एक करके क्या है ये। जैसे हमने कोई सेल सेलेक्ट किया, अब हमें ये जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्पीक सेल्स के बारे में तो एक्सेल इस सेल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको स्पीक करेगा। लिसन स्पीक सेल्स, जैसे कि आपने सुना होगा कि इसने बोला स्पीक सेल्स। अब अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्टीन्यूस डाटा में अगर किसी एक हम सेल को सिलेक्ट करके स्पीक सेल्स करते हैं तो देखिए जितना भी हमारा वो है कंटेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम और फिर वो स्पीक करने लग सिविल, ये देखिए आईटी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ये आपका कॉलम वाइज आपका बोलने लग गया। अब अगर आपको कॉलम वाइज नहीं करना, आपको हॉरिजॉन्टली करना है, मींस रो वाइज करना है। रो वाइज करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे ये स्पीक सेल्स बाय रो पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आप क्लिक कीजिए स्पीक सेल्स इंजीनियरिंग स्ट्रीम इंजीनियरिंग स्ट्रीम इंजीनियरिंग स्ट्रीम इंजीनियरिंग स्ट्रीम। फिर स्टॉप सेल्स कर सकते हैं, स्टॉप स्पीकिंग सेल्स, तो ये बंद हो जाएगा। तो इससे बस हमें यही फ़ायदा होता है कि जैसे आपको कोई कुछ वेरीफाई करना है अपनी एक्सेल शीट में और आपने हार्ड कॉपी निकाल रखी है तो उस केस में ये बहुत बेनिफिट होता है। हमारा एक ये होता है हमारा स्पीक सेल्स ऑन एंटर, मैं इसको कर देता हूँ। सेल्स विल नाउ बी स्पोकन ऑन एंटर। अब आप जैसे ही अपने सेल में कुछ डेटा एंटर करेंगे और जैसे ही अपने कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद वो अपना ये जो कंटेंट है सेल का वो बोलने लगेगा। जैसे हेलो गाइस हाउ आर यू, देखा आपने जैसे ही हम एंटर करते हैं वैसे ही वो स्पीक करने लग जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।